हेलो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं। मेरे साथ जो रात बीती थी उसकी एक हिस्ट्री है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ। बिकॉज सब लोग कहते हैं कि गाइस रात गई बात गई, बट वो रात ऐसी रात नहीं थी जो कि आई और चली गई। ये उस टाइम की बात है, लगभग आज से 7-8 साल पहले की, जब मैं दिल्ली से राजस्थान को जाने वाला था और मेरा सफर ट्रेन का था। ट्रेन में मैं दिल्ली से राजस्थान के लिए घर से निकला और रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़कर मुझे सवाई माधोपुर जाना था और मैंने वो ट्रेन पकड़ ली। और मुझे मेरी रिजर्वेशन सीट थी तो मैंने अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और थोड़ा सा आराम करने लगा। कुछ ही टाइम बीता कि मेरी आंख लग जाती है और जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो पता चलता है कि मैं सवाई माधोपुर के पास पहुंच गया हूँ। मैंने अपना बैग संभाला, अपने कपड़े ठीक किए, जूते उते पहने और तैयार हो गया सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन उतरने के लिए। मेरी ट्रेन सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी और उस टाइम रात के 7 बज चुके थे। मैं ट्रेन से उतर गया। ट्रेन से उतरने के बाद मुझे अपने गांव में जाने के लिए बस पकड़नी थी। मैंने बस पकड़ी और मुझे टाइमली बस भी मिल गई। बस में बैठकर मैंने करीब 1 घंटे का सफर किया। 1 घंटे का सफर करके मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां से मुझे मेरे गांव की तरफ जाना था, लेकिन मेरा गांव वहां से करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर था और अब टाइम लगभग 8:30 बज चुके थे। आपको मालूम है कि गांव में इतनी लाइट्स होती नहीं है सिटीज की तरह, क्योंकि गांव में चारों तरफ अंधेरा होता है और वो काली अंधेरी रात थी। और मुझे उस रात में अकेले ही 4 से 5 किलोमीटर का पैदल चलकर अपने गांव की तरफ जाना था। दोस्तों, मुझे उस टाइम इतना डर लग रहा था, मैं सोच रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। मेरे पास ना फोन था, ना कोई दोस्त ऐसा आ रहा था, रास्ते में कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो कि मुझे मेरे घर तक छोड़ सके। फिर भी मैंने अपने आप को समझाया और डर को थोड़ा दूर किया और अपने गांव की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने गांव की तरफ चल रहा था। करीब में 1.5 से 2 किलोमीटर दूर चला गया था। अब मुझे लगा था कि मेरा गांव अब पास नहीं है, अब मुझे 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता और तय करना था। लेकिन ये भी मुझे पता था कि जब मैं स्कूल टाइम की बात है, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम एक खाई थी जिसमें होके हमें निकलना होता था और उस खाई को हम बखूबी जानते थे और मैं भी बखूबी जानता कि उस खाई में कई कहानियां सुनी हुई थी कि यहाँ भूत रहते हैं। अब मुझे उसके पास पहुंचने में करीब 0.5 किलोमीटर दूर था उस खाई के पास पहुंचने में, क्योंकि मुझे उस खाई में उतरकर गांव की तरफ जाना था। मतलब वो एक तरीके से एक गड्ढा था जिसमें अंदर
उतर कर फिर ऊपर चढ़कर अपने गांव की तरफ चला। लेकिन मुझे जैसे जैसे वो बातें याद आने लगी तो मेरा डर बढ़ने लगा। जैसे वो रास्ता पास आने लगा उसी तरह से मेरा भी डर उसी तेज रफ्तार में बढ़ने लगा। लेकिन मैं रुका नहीं दोस्तों, मैं चलता जा रहा था। अब अचानक मेरे पीछे की किसी की आवाज आई। मैंने देखा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा ये मेरा बहन है, शायद मुझे डर लग रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। फिर मैंने अपने मन को समझाया और वहां से थोड़ा आगे की तरफ निकल गया। अब मैं आगे की तरफ जा रहा था, अब करीब 200 मीटर की दूरी पर वो खाई ले गई थी। कुछ टाइम में वहां रुक गया। फिर वहां कुछ घर बने हुए थे तो मेरा डर वहां तक थोड़ा कम था और मैं वहां रुका और मैंने सांस ली और फिर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। या तो मुझे ये खाई पार करनी है आज घर पहुंचना है, या फिर मैं किसी गांव के लोगों का घर का दरवाजा खटखटाकर वहां रात गुजार लूं। लेकिन मेरा मन ये नहीं मान रहा था कि रात के 9:30 बजे मैं किसी के घर का दरवाजा खटखटाऊं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि रात में 7:30-8 बजे तक गांव में सारे लोग सो जाते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास कोई नहीं हो, बिल्कुल सन्नाटा, वो रात का अंधेरा और वो सनसनाती हवा डर को और बढ़ाने लगी थी कि अब मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था, बस मैं था और मेरे पास मेरा ट्रेवल बैग। बस बैग में से मैंने पानी की बोतल निकाली और पानी पिया और पानी पी के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर सोचा कि चलो यार देखते हैं, गांव तो चलना ही है और मैं गांव के लिए निकल गया। अब मैं उस जगह खड़ा था जहां से उस खाई के नीचे मुझे उतरना था और उतरकर दूसरी तरफ वापिस चढ़कर गांव की तरफ जाना था। तो मैंने इधर उधर देखा और अपने मन को समझाकर और अपने आप को संभाला और मैं खाई में उतर गया। जैसे ही मैं खाई में उतरा तो मैं क्या देखता हूं कि एक डॉगी, एक कुत्ता उस खाई में बैठा हुआ था। मुझे उस कुत्ते को देखकर डर लगा, क्योंकि कुत्ते ज्यादातर गांव के आसपास होते हैं, लेकिन वो कुत्ता उस खाई में था। मैं उसे देखकर डर गया और अपना पैर जल्दी जल्दी उठाने लगा और जल्दी जल्दी चलने लगा। जल्दी जल्दी चलकर मैंने वो खाई जैसे ही चढ़ने के लिए ऊपर अपने गांव की तरफ निकलने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए उठाने लगा, वैसे ही मुझे लगा कि कोई मेरा हाथ स्पर्श करके गया है। मैंने पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर और बढ़ने लगा। मैं वहां चिल्ला भी नहीं सकता था और चिल्लाऊंगा भी अगर तो कोई मेरी चिल्लाहट सुनने वाला भी नहीं था। फिर भी मैंने मेरे हाथ पैर कांपने लगे, कांपते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं यहां से चलकर जा नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे उस खाई के ऊपर आया और फिर जैसे ही ऊपर आया मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं वहां से निकलकर तेज तेज रफ्तार में वहां से चलने लगा। और चलते 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 चलते
मैं अपने गांव के नजदीक आ गया था। नजदीक आते ही अब लगने लगा था कि गांव में रोशनी दिखाई दे रही है, बाहर से कुछ लाइट्स जली हुई दिखाई दे रही है। अब मेरा डर थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे डर तो लग रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में अकेला अपने और गांव में रहने वाले जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली आदि। अब मुझे लगा कि ठीक है, मैं उस खाई से तो निकल गया हूं, लेकिन अब गांव के अंदर एंटर करने की बारी है, और गांव में उस अंधेरी रात में कोई भी बंदा बाहर सोया हुआ नहीं था। अब मैं उस गांव में एंटर, यानी मेरे गांव में अंदर घुसने वाला था, कि मुझे लगा कि अब कुत्ते मेरे ऊपर भौंकेंगे। अब मुझे उस भूत से ज्यादा उन कुत्तों का डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चलता गया चलता गया। पास में पहुंचा तो अब मैं गांव में पहुंच चुका था। जैसे ही गांव में पहुंचा, वैसे ही कुत्ते भौंकना स्टार्ट करने लगे। कुत्ते भौंकना स्टार्ट करने लगे, मैं डर भी रहा था और मैं उनको कह भी रहा था, डांट भी रहा था उन कुत्तों को मैं अपनी आवाज में, और वो कुत्ते भौंके जा रहे थे। थोड़ा आगे गया तो कुत्ते शांत हो गए, लेकिन आपको मालूम है गांव में तो हर जगह कुत्ते होते हैं। फिर मैं आगे निकल गया। अब मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, करीब करीब 500 मीटर दूर पे मेरा घर था। अब मेरा डर भी कम हो रहा था, और मुझे मालूम था कि अब मेरा पड़ोस भी आने वाला है, तो अब इतना डर नहीं है। मैं धीरे धीरे करके अपने पड़ोस में पहुंच गया। पड़ोस में जैसे ही पहुंचा, फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। लेकिन जैसे ही कुत्ते भौंकने लगे, वैसे ही मैंने अपने हाथ में एक डंडा ले लिया था, जिससे कि अगर कुत्ता भौंक कर मेरी तरफ आए तो मैं उसे दूर कर सकूं या डरा सकूं। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, और मैं अपने घर के गेट के बाहर था इस टाइम, लेकिन चार कुत्ते मेरे ही सामने खड़े थे और वो मेरी तरफ भौंके जा रहे थे। इतने में मैं क्या देखता हूं कि दरवाजा खुलता है, और मुझे क्या दिखता है कि मेरे दादाजी दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और कहते हैं, कौन है ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। अब मेरा डर काफी कम हो गया था, और अब मैं थोड़ा आराम सा महसूस कर रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं घर पहुंच गया हूं। मैं अपने दादाजी के पैर छुए, पैर छूकर जैसे ही अंदर जाने लगा, दादाजी पूछे कि इतना लेट कैसे हो गया, जल्दी आना चाहिए था ना, तुझे मालूम नहीं है रास्ते में क्या क्या होता है। मैंने दादाजी से कहा, सॉरी दादाजी, मैं लेट हो गया, मुझे पता नहीं था मैं इतना लेट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी ट्रेन भी 1 से 1.5 घंटा लेट हो गई थी, इसीलिए मैं लेट हो गया। दोस्तों, ये रात मेरे लिए ऐसी रात थी जैसे लोग बाग कहते हैं कि रात गई बात गई, लेकिन ये वो रात थी जो रात तो चली गई, लेकिन उस रात में जो जो हुआ वो आज तक मुझे याद है, और आज तक मैं उस बात को भुला नहीं पाया हूँ। दोस्तों, आज भी कभी कभी जब मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे वो गांव वाली बात जरूर याद आती है, और मैं सोचता हूँ ये वो रात नहीं है, ये रात गई बात गई, और मेरे माइंड में आज भी वही बात घूमती रहती है, और वही साया जो मेरा हाथ स्पर्श करके गया था वो मुझे याद आता है। एक बार नहीं, बार बार याद आता है दोस्तों, बार बार याद आता है, बार बार याद आता है।